मैं तो एहसास कर लिया हूँ कि आपने हमें बाहर निकाल दिया है। आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं, तो उनको शुभकामना है कि लड़े, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है। वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। सिर्फ माझी जी पलट जाते तो भी सरकार नहीं बनता, या सहनी जी पलट जाता तो सरकार नहीं बनता। कल तक बीजेपी का हम दोस्त थे, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया, तो आज हमको वो दुश्मन मान रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को, मीडिया बंधु भाई को। आज हमारे विशेष तौर पे झारखंड से हमारे बहुत सारे साथी आए हैं, विभिन्न विभिन्न संगठन से, तो हमारे पार्टी और संगठन के सभी पदाधिकारी और निषाद बंधु आए हैं झारखंड से। और हम लोगों ने आज विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और पार्टी का उद्देश्य है कि 11 मार्च को जुब्बा सैनी सागर दिवस हम लोग झारखंड में मनाएं, और उसी रोज हम पार्टी को विस्तार झारखंड में करें। आप सभी को पता है कि बिहार से हम लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करके आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। 165 सीट से अधिक चुनाव वहां पे लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे, और उसी तरीके से झारखंड में भी मैं तैयारी करेंगे 2024 का। और यूपी बिहार झारखंड में एक ही हमारा मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनके हक अधिकार मिले, और निषाद का बेटा भी आने वाले समय में इस राज्य का मुख्यमंत्री बने, नेतृत्व करे, इस दिशा में हम लोग काम करें। तो 2024 की तैयारी करने के लिए झारखंड से आज हमारे साथी जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और उस पर विचार करके और पार्टी लॉन्च करके मजबूती से 2024 की तैयारी हम लोग करेंगे, यही मुख्य एजेंडा है। और इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, और उसकी तैयारी अभी पार्टी लॉन्चिंग की तैयारी हमारे साथी जो आए हैं वो तैयारी करके और झारखंड में मजबूती से लॉन्च करेंगे, ताकि हर एक घर गांव तक पहुंच जाए कि वीआईपी पार्टी, और एक एक बूथ पर संगठन पार्टी काम करे, उसके लिए हम लोग आज बैठ के हम विमर्श कर रहे हैं। ये एक सवाल है कि विधान परिषद में विधान परिषद की घोषणा तो होगा एनडीए की तरफ से, आपको तो एक भी सीट नहीं मिला। निश्चित तौर पे बहुत बहुत बधाई है जेडीयू और बीजेपी को कि वो लोग आपस में बंटवारा करके और सीट के चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो मेरा तो शुभकामना उनके साथ है कि वो लड़े और जीते, और वीआईपी पार्टी भी मजबूती से 24 विधान परिषद का सीट जो है वहां पे मजबूती से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी घोषणा करेंगे कैंडिडेट का, तो इसके लिए तैयारी हम लोग करेंगे। हम एक मंडा निषाद का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं, और संघर्ष करते करते इस जगह तक पहुंचे हैं, और लोग हमें इग्नोर करते हैं। लोग को लगता है कि निषाद का वोट उनका जागीर है, कि वो हमें रखे या हिस्सेदारी दे या ना दे, उसका वोट उनको मिल जाएगा। तो खैर, वो गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं, और वो लोग अपना करें। मुझे लगता है कि वो बड़ी पार्टी है, गठबंधन तो तब होता है जब वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। 2020 में कमजोर समझ रहे हैं थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने, उनको एहसास हुआ कि मैं कमजोर हूँ तो साथ लिए। आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं, तो उनको शुभकामना है कि लड़े जीते। हम तो कल भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो राजा हरिश्चंद के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार है, और आगे भी रहना चाहेंगे। इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाया, लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का, और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं, और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं, लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। जब आज एमएससी की बात हुआ तो दूर कर दिए, मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए, हालांकि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हमारी सरकार चल रही है। हम एक हिसाब से मान लीजिए कि गठबंधन से हमको और माझी जी को निकाल दिए, बेगर पूछे बेगर बात किए हुए उन्होंने निर्णय ले लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता। काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता था वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई हिटलर नहीं है, और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है, हम अपनी निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, और आगे भी हम चाहते रहे। लेकिन ये चीजें सिर्फ हमारे इधर ही लागू नहीं होता, ये चीज उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे।
इस बार तो साबित कर दिए, कोई नहीं रखना चाहते दूर कर दिए, तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है, वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। अभी हमें 2024 में सोचना है कि हमें क्या करना है, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी का एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले, यूपी बिहार झारखंड को आरक्षण मिले। जब बंगाल में दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज, इसके लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं आज। आपके साथ जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहा है, वीआईपी पार्टी लड़ रहा है चुनाव, तो आपको किस बात का समस्या है? और आप क्यों चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी आपके पीछे पीछे चले? अगर मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं तो आप देश में सरकार है, आपका देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता है? जो 1-2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा? आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को आपने गरीब मानकर उसको आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ कि क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया, आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया। इस देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, और आप जो किया मैंने, मुझे लगता है कि आपने सही किया। लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में 2019 में आपने हमेशा कहा कि निषाद का आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी निषाद का मल्ला का बेटा आने वाले समय में बनाएगा, वो ताकत हम लोग बनाएंगे। आज बना ना, जब सरकार बनने का समय था, 4 पार्टी के लेटर से सहयोग से सरकार बना, कोई एक पार्टी के सहयोग से नहीं बना। जितना 74 विधायक वाले पार्टी का जितना ताकत था, वजूद था, उतना ही 4 वाले का भी था। अगर मांझी जी या मुकेश जी अगर पलट जाते तो शायद सरकार नहीं बनता उस समय, तो अगर एक भी अगर पलट जाता, सिर्फ मांझी जी पलट जाते तो भी सरकार नहीं बनता, या सहनी जी पलट जाता तो सरकार नहीं बनता। लेकिन हम राजा हरिश्चंद्र के जैसे अटल थे, ईमानदारी से उस रोज भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक मछुआरा गरीब का बेटा 900 रुपया महीने पे नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में भी अपने साम्राज्य को कायम कर लिया, और बिहार में 6 साल में निषाद के लिए 75 साल में जो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था वो हमने पिछले 6 साल में तैयार कर दिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी बिहार का झारखंड का निषाद भाई साथ होगा, तो आने वाले समय में दिल्ली पे भी निषाद का बेटा कब्जा करेगा, और निषाद के बेटा का सहयोग से दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगा। और जिस रोज प्रधानमंत्री बनेगा उस रोज निश्चित तौर पे निषाद आरक्षण उस रोज लागू होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं कि मुकेश सहनी को मिट्टी में मिला देंगे, तो भाई आप सोचिए, आपको जो करना वो कीजिए, लेकिन मुकेश सहनी जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, समाज के साथ लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। क्योंकि समाज के लड़ते लड़ते अगर मुझे शहीद भी होना पड़े तो मैं तैयार हूं। ये लगता है कुछ खंजर होकर गया है जो आपने 2000 नहीं, इस चीज को ऐसा नहीं लीजिए, इस चीज को ऐसे लीजिए कि देखिए गठबंधन तो तब होता है जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि हम कमजोर है तो इससे गठबंधन कर लेते हैं। तो अभी उन लोगों को लगता है कि हम मजबूत हैं, उनको किसी का गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वो गठबंधन नहीं किए हैं। आज जैसे उत्तर प्रदेश में जेडीयू को साथ नहीं लिया या बीजेपी को साथ नहीं लिया, क्योंकि वहां पे वो अपने आप को मानते हैं कि हम मजबूत हैं। तो फिक्र किस लिए करते हैं मुकेश सहनी का? या यहाँ पे भी आप मान लिए कि हम मजबूत हैं और दोनों पार्टी में सीट बंटवारा करके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर अपने सहयोगी को भरोसे में लेने की बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधा बोल क्यों नहीं दिए कल कि हम दोनों पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिए? इसमें इतना बोलने में थोड़े आपको आपत्ति लगता, अब मुझे सुनने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो एहसास कर लिया हूं कि आपने हमें बाहर निकाल दिया है। नहीं, उनका दलील है कि आपको एमएलसी उन्होंने बनाया था। कोई मेहरबानी नहीं किया था, कोई व्यक्ति मेहरबानी नहीं किया था, ये मेरा अधिकार था, उन्होंने पूरा किया, मुझे ठीक है पूरा कर दिया, आगे ना करें। उनको जो लगता है मेरा जो गठबंधन हुआ था आप सबके समक्ष में, और उसका गवाह आप ही लोग हैं और दूसरा कोई नहीं है। बिहार को जनता को समय आएगा तो आप ही बताइएगा कि जब चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां स्पष्ट हुआ था 11 सीट और 1 एमएलसी, और 1 एमएलसी जो होता है वो संपूर्ण 6 साल का होता है। तो उनका काम था एमएलसी बनाना
और 11 सीट देना उसने दिया, कोई मेहरबानी कोई नहीं किया था। अगर 11 सीट पे उन्होंने हमको वोट दिया तो हमने 11 सीट के अलावा बाकी जगह पे उनको हमने वोट दिलाया और कई ऐसे सीट को हमने जिताया। तो गठबंधन तो यही होता है, तो हमें आगे भी वो उनका अगर ईमानदार रहेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं अगर रहेंगे तो ना करें, मुझे उसका परवाह कहां है। अगर उसका परवाह करते तो उत्तर प्रदेश में लड़वे करते हैं। तो हम लोग आज समाज के साथ हैं, मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे। जिसको जो अपना करना वो करे, लड़े जो करना वो करे। पूरब सूरज जो है ना, पूरब की जगह पश्चिम उग सकता है, लेकिन वीआईपी पार्टी बोछा में चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई 1% किटपट नहीं होगा। हाँ, जिस साथी 2020 में गठबंधन जो था उस गठबंधन के तहत अगर साथी उसमें समर्थन देता है तो उनको स्वागत करेंगे, नहीं समर्थन देता तो भी उनको स्वागत करेंगे मैदान में। स्पष्ट तो सरकार समर्थन वापस लेंगे क्या? सरकार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी के साथ में मजबूती से हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे किसी कारण बिहार में उथल पुथल हो, क्योंकि एक बार बिहार में चुनाव होने का मतलब है कई हजार करोड़ रूपया खर्चा, और मैं नहीं चाहूंगा कि कई हजार करोड़ रूपया खर्चा हो। यहाँ पे जो युवा से जो वादा किया गया कि 19 लाख युवा को रोजगार देना, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमारे सरकार का जो मुखिया है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने वादा किया कि 19 लाख युवा को रोजगार दे, तो मैं उनको सहयोगी के तौर पे साथ भी रहूं और 19 लाख युवा के रोजगार देने में उनको सहयोग करूं, और अगर कभी भूल जाए तो उसको याद भी दिलाऊं कि आप 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए, वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मैं उसी लिए मैं आपके साथ हूं। और वादा पूरा नहीं होगा तो फिर उसके बारे में फिर सोचा जाएगा। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस रास्ते पे काम कर रहे हैं, हम भी अपने विभाग में काम कर रहे हैं और उस विभाग पे काम कर रहे हैं। अगर जब तक काम करने का मौका मिलते रहेगा, अंदाजा मिलेगा कि हम लोग अपने विभाग से लाखों युवा को रोजगार दे पाते हैं तो अच्छा होगा। जब जिसको एहसास होगा कि हम रोजगार नहीं दे पाते और नहीं दिया जा रहा हमारी सरकार में, उस रोज सोचा जाएगा कि इस युवा के लिए क्या करना है। आप लालू और तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए हम तो अकेला चलने वाला व्यक्ति है, अकेले जन्म लिए हैं, अकेले संघर्ष करने वाले लोग हैं हम, तो सामान्य विचारधारा वाले लोग। दो कदम हम चलेंगे तो दो कदम आप साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे आप हमको साथ दीजिए। देश में गठबंधन की राजनीति हो गया तो इस तरीके से चल रहा है, तो जब समय समय की बात होगा, कभी दोस्त बनते हैं कभी दुश्मन बनते हैं। कल तक बीजेपी का हम दोस्त थे, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया तो आज हम को वो दुश्मन मान रहे हैं। कल क्या होगा वो मुझे क्या मालूम है। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि वीआईपी के विधायक हमारे साथ हैं, तो वो भी कर लेना, वो भी कर ले। अभी तो हमारे चुनाव आयोग पे वीआईपी का दिख रहा है और वो अगर इस बात से अगर डरा रहा है तो मैं इससे कहां डरने वाला हूं। कोई पार्टी विधायक के ऊपर नहीं चलता है, जनता और कार्यकर्ता के दम पे चलता है, उनके सपोर्टर पे चलता है। तो वीआईपी पार्टी इतना मजबूत विधायक के दम पे नहीं हुआ, विधायक तो हम दम पे मजबूत हो गए तब तो बना। हम संघर्ष करने के टाइम में हमारे पास कोई विधायक नहीं था, तो संघर्ष करने के टाइम में फिर नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता। फिर 2004 विधायक बनाया निषाद समाज ने, 2025 में 40 बनाएंगे, हो सकता है 130 भी बना सकता है, और अपने दम पर निषाद के बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है। थोड़े ऐसा है कि बिहार में निषाद के बेटा को काबिलियत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बिहार का तो इतिहास है कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो हमारे समाज में तो बहुत कुछ नॉलेज है, आज हम लोगों ने दुनिया जीतने वाले लोग हैं, तो हम लोग भी बिहार का नेतृत्व करेंगे। तो आने वाले समय में हमारी संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे और 24 लोग विधानसभा परिषद का जो विधान परिषद का सीट है उसमें चुनाव पशुपति पारस को एक सीट दिया गया, आपको इग्नोर किया गया, मांझी जी को इग्नोर किया गया। हाँ, तो हमको तो लगता है कि उनको मजबूत समझ रहे होंगे, मांझी जी को कमजोर समझ रहे हैं या सानी जी को कमजोर समझ रहे हैं। तो हमको और मांझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए, मांझी जी तो कह रहे हैं हम साथ हैं, नहीं तो हम भी सरकार के साथ हैं, बोले बतासा के लिए सर खबर चल रही है। ठीक है, तो उनको जो वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका हम निर्णय का स्वागत करते हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना। हम तो अपना निर्णय लिए हैं कि बतासा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे घर टूटे मुझे उसका परवाह नहीं है, मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है, अगर एक सुई बराबर भी अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा।
बोचहां सीट से पार्टी के कोई और उम्मीदवार हो सकते हैं कि आप खुद भी लड़ सकते हैं? नहीं नहीं, सुरक्षित सीट है, हम कैसे लड़ लेंगे? वहां पे हमारे प्रत्याशी रहेंगे और हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी पार्टी के साथ मजबूती से रहे हैं और उनका स्वर्गवास हो गया है, तो हमारा पूरा उनके परिवार के साथ आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में कैंडिडेट का घोषणा होगा और मुसाफिर पासवान का परिवार के ही लोग लड़ेंगे चुनाव, इसमें भी कोई चिंतु परंतु नहीं है। परिवार उतारती है तो क्या समर्थन वापस आप साथ में रहेंगे सर? आप वहाँ पे मजबूती से वहाँ पे उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे, नाम क्या होगा वो समय पे हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका नाम का घोषणा करें और समय आने पे आचार संहिता लगने पे वहाँ पे घोषणा होगा, वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगा। जिनको सहयोग देना होगा देंगे, नहीं सहयोग देना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी पार्टी हर हाल में वहाँ चुनाव लड़ेगा और मजबूती से वहाँ चुनाव जीतेंगे। जी, बार बार जो आपकी पीठ पे खंजर भोंका जा रहा है, पिछले बार भी तेजी गरीब का बेटा है, मछुआरा का बेटा है तो अभी खंजरे भोंक रहा है, उनका बस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाह नहीं है। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। उनका सांसद ने कहा ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने तो कहा कि मुझे ये कबूल है, आप समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ, आप हमको मिट्टी में मिला देंगे मुझे कबूल है, लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे, जाए तब बोलेंगे जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं।